नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर मिस्टर SSC प्रीवियस ईयर पर। मेरा नाम है शुभम और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए GK की आज क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूआब्जा के निर्माता कौन है? तो दोस्तों, रूआब्जा तो आपने सभी ने पिया होगा, तो इसके यहाँ पर निर्माता का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर हमदर्द लेबोरेटरीज भारत, और डाबर इंडिया, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। दोस्तों, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यह फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ बनाती हैं। और जो आपका रुहाबचे के लिए बोला जा रहा है वो ना कि एक पेय पदार्थ है, कोई दवाई नहीं है। स्पेशली नेस्ले इंडिया इसका हो सकता था, डाबर इंडिया भी हो सकता था, लेकिन इसका यहाँ पर हमदर्द लेबोरेटरीज है। तो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा परिवर्तित, आभासी तथा परिवर्तित। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वह है पहला, आभासी तथा सीधा। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है, मतलब कलेक्ट होता है? तो हमें देखना है दोस्तों कहाँ पर हमारा जो यूरिन होता है वह कलेक्शन होता है। तो मूत्र मार्ग या तो एक रास्ता हो गया दोस्तों, यहाँ पर तो वह कलेक्ट नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी दोस्तों इसी को कहते हैं, तो ये भी गलत। मूत्राशय, मूत्राशय मतलब जहां पर वह कलेक्ट होता है, तो मूत्राशय हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, और जो वोमेंस कैप्सूल वो नहीं है, हाँ वो किडनी का एक पार्ट होता है, लेकिन वो इसके वहां पर जो यूरिन कलेक्शन नहीं होता है। देखते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर पहले मुगल सम्राट की बात पूछी जा रही है, तो दोस्तों आप एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, भाजशा, BHAJSA। यहाँ पर जो V4 है बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर, J4 जहांगीर, S4 शाहजहां और A4 है औरंगजेब। औरंगजेब और अकबर का आप याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों तो दो ए हैं, औरंगजेब बाद में आया था, अकबर पहले आया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो B4 है बाबर, तो आपका सही आंसर है बाबर। तो इसको दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा, मुगल कालीन में से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो मुगल काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आप एक इस बात को आप याद रखिएगा, जो प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार था वो हमारे PM को मिला है। तो हमारे यहाँ पर PM कौन है? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो दोस्तों मलेरिया एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, इससे लगभग लोगों को हर साल जो है 51.5 करोड़ के आसपास इससे लोग प्रभावित होते हैं। एक बहुत ही डेंजर बीमारी होती है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्योंकि इलाज नहीं है, इलाज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जो 10 से 30 लाख लोग हर साल इससे मर जाते हैं, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये अपने आप में। और सबसे ज़्यादा जो इसका जो प्रभाव देखा जाता है वो है अफ्रीका, अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा दोस्तों पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर संसाधनों की भी बहुत कमी है, तो इसलिए जो अधिकतर लोग हैं वो वहीं पर मरते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा युवा और छोटे बच्चे होते हैं। तो दोस्तों जो इसका जो परजीवी का जो वहन है करता है, मतलब जो उसको कैरी करता है, वो दोस्तों एक मादा है ना कि नर, तो ये वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं आपके, और वो है मादा एनोफिलेज। तो दोस्तों इसको ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की बारहमासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर नदी प्रणाली का पूछा जा रहा है, इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ए, सिंधु। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है? दोस्तों ये बहुत ही एक ईजी क्वेश्चन है, आपको इसका पता होगा, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, मतलब उनके बारे में लिखी गई है। तो दोस्तों एक बहुत ही नॉर्मल सा और कई बार आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो दोस्तों चार चैम्बर होते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है किससे जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बायां अलिंद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? तो दोस्तों आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं,
दागा लाबा पागा पागा, तो अजीब अजीब से ये आपको लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा बागा बॉर्डर, तो आप इसको बागा बॉर्डर से याद रखिएगा, बागा इसका जो सही आंसर है वो है बागा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है सी है चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, वह एक स्तंभ है दोस्तों जिस पर चार मुंह है शेर के। तो दोस्तों इसका ये सही जवाब है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक अच्छे क्वेश्चन है। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप और कन्नानोर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अमीनी द्वीप और कन्नानोर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है स्थल मंडल, दोस्तों भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र पूछा जा रहा है। दोस्तों मान लो ये भूमि है, फिर यहाँ पर ये वायु है और यहीं पर जल है, तो स्थल मंडल तो ये भूमि वाला हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया दोस्तों, बिल्कुल वायुमंडल हो गया दोस्तों आपकी ऊपरी वाली परत, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जलमंडल हो गया आपकी बीच वाली परत, मतलब जो पानी होता है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो इन तीनों को जो मिला के बनता है ना वो होता है जीव मंडल, तो इसका जो सही जवाब है एकदम जीव मंडल। दोस्तों ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, आप इनको अपनी जो आपके जो आईक्यू लेवल है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही सॉल्व होते हैं, इनको कोई रटने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नेफेड, तीसरा नंबर। एक कंपैरिजन बिटवीन बीमेन एंड मेन द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों ये जो जिसके बारे में लिखी गई थी ये थी आपकी ताराबाई शिंदे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये मैन और वुमेन दोनों को इन्वॉल्व कर दिया है, एक बहुत ही वैसा मुद्दा है जिस पर सोशली बहुत ज़्यादा टॉपिक उठते रहते हैं, तो दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसका है ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया है? शंकरी प्रसाद केस, ओलगा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, मेनका गांधी बनाम BOI केस, नागराज बनाम BOI केस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, ओलका टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है RBI, ना कि सेबी, RIDA, FICCI, ये सब ऑप्शन गलत हैं, तो दोस्तों इसका RBI बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल माध्यम चाहे वो गैस हो या फिर द्रव हो में आंशिक या पूर्ण तरह डूबी हुई वस्तु, कोई मान लो वस्तु है दोस्तों, अगर वह पूर्ण तरीके से इस तरह से डूबी हुई है पानी के नीचे, या अगर आपका वाटर है, पर लगने वाला उत्प्लवन बल, मतलब जो उस पर फोर्स लग रहा है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों यह सिद्धांत जो दिया था वो आपके आर्कमिडीज का सिद्धांत है, आपने 10th 12th में इसको पढ़ा होगा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है नो डाउट। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो दोस्तों थॉमसन बेविंगटन, इसका गलत जवाब है। बूट्स डिस्पैच बिल्कुल गलत है। हेनरी कार्लब्रुक बिल्कुल गलत है। इसका आपका ऑप्शन बी सही है, मैकाले का मिनट। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब है वह तमिलनाडु, ना कि तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है दोस्तों, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आप इसको अपने आईक्यू लेवल से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वह है मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नहीं एक संवैधानिक अधिकार, विधि विधिक अधिकार, ये नहीं है इसका, इसका है मौलिक अधिकार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? दोस्तों जब अविश्वास प्रस्तावित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को ही दोस्तों वहां पर इस्तीफा देना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है FIBA, FIBA, NBA गलत, IBA गलत, RBA गलत।
देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 25। हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हुसैन बोल्ट को तो आप जानते ही होंगे, वह एक बहुत ही अच्छे रनर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं अपने ओलंपिक के कैरियर में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है एथलेटिक्स। नहीं, वे बॉक्सर नहीं है, जिमनास्टिक भी नहीं है, क्रेनो स्प्रिंट भी नहीं करते हैं, वो एक एथलेटिक्स है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट होगा दोस्तों मेरी तरफ से आपको। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।